देखिए हम थेपले बनाएंगे, तो उसके लिए हमने बेसन को छान लिया है और इसमें हम अजवाइन डाल रहे हैं इसके। नमक, थोड़ी सी पिसी हल्दी, कुटी मिर्च, ठीक ये मेथी की भाजी है, इसे हमने धो लिया, काट लिया, इसको भी डाल देंगे। ये हम नए स्टाइल में बना रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए ये तरीके से। इसको हम पानी डालकर गूंद लेंगे, इसको अच्छे से पानी डाल के गूंद के थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे आराम से। देखिए इस तरीके से हमें लगाकर थोड़ी देर इसको आराम रेस्ट के लिए रखना है, क्योंकि मेथी की भाजी शायद थोड़ा अपना पानी छोड़ेगी तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हमने इसका एकदम कर्रा डो बनाया है, अभी से हम थोड़ी देर इसे रख देते हैं ढककर। ये देखिए हमने थेपले बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसे हमें एक साइड से हल्का सेकना है और एक साइड से थोड़ा ठीक सेकना है। एक साइड से ठीक तरीके से सेकना है। इस तरीके से पूरे थेपले हम बनाकर रख लेंगे, फिर आगे क्या करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे बनाते हैं ना नए स्टाइल में, तो बच्चों को भी पसंद आते हैं। मैं ये वाला वो डाल दूंगी। अच्छा देखिए हमने थेपले सेक कर रख लिए पूरे, है ना। अब इसके स्टफिंग बनाना है हमें, तो इसके लिए शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, स्वीट कॉर्न है, पनीर है, और क्या है, ये चीज़ है, मैंने ग्रेट करी हुई चीज़ ली है, और ये मियोनी है। ये दोनों चीज़ें हमें स्टफिंग ठंडी होने के बाद डालनी है, ठीक है। तो अब हम अपना यहाँ कढ़ाई की तरफ चलते हैं और इसमें डालते हैं पहले हम थोड़ा सा तेल, ठीक है। तेल, कम तेल में ही इसकी स्टफिंग बन जाएगी। थोड़ा सा तेल डालना है हमें, हमें कुछ ज्यादा मसाले भी ऐड नहीं करना रहते इसमें। इसमें हमें सबसे पहले प्याज इसमें हमें सबसे पहले डालना है पत्ता गोभी, ठीक है। बस थोड़ा ही डालना है सब कुछ। तो मिक्स कर देंगे, थोड़ा हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसकी थोड़ा नम करना है, इसकी क्रंचीनेस खत्म नहीं करनी है। आप इसको बिल्कुल सब स्किप करके मत देखिएगा, वरना कुछ मिस हो जाएगा तो फिर थेपले अच्छे नहीं बनेंगे। उसके तरीके से देखिए ध्यान से, इसमें मुझे थोड़े मसाले ऐड करूंगी मैं। हमने थेपले बनाने में भी यूज करा है और चीज वगैरह में भी होता है, इसलिए नमक हमें थोड़ा ध्यान से डालना है। और ये डालना है हमें काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है। और इसमें हमें डालना है थोड़ी सी कुटी मिर्च। मिर्च हमें कम डालनी है क्योंकि हमने आटा गूंदा था उसमें भी डाला था, फिर ज्यादा तेज हो जाता है तो फिर बच्चे लोग खाते नहीं है, ठीक है। इसको मिक्स कर दें हम थोड़ा। अब हमें इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे,
और इसको भी थोड़ा पकाना है, वैसे तो इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ा हमें इसमें चाट मसाला भी ऐड करना है, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें तो वैसे भी बहुत थोड़ा सा ही आता है चाट मसाला इसके पाउच में, ये स्वीट कॉर्न के साथ ही आता है चाट मसाला, वो ही डाल दें। और अगर आपके पास नहीं हो तो आप अलग से भी आता है वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी हो गया स्वीट कॉर्न की वजह से, थोड़ा पानी सुखाना है हमें। इसमें शिमला मिर्च भी डालना है, शिमला मिर्च भी कम डालना है क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाती है तो नहीं होती। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, पनीर को मैंने थोड़ा इस तरीके से कर लिया है ताकि अच्छे से पूरे में हो जाए। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का चूल्हा कर देंगे बंद और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें हम चीज और मेयोनीज ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर मिलते हैं। देखिए ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस डालेंगे, इसकी खटाई के लिए थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, ये मेरे घर की बनी हुई मेयोनीज है, दिखाई थी ना इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को। अब इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग एक बार बना के खाइएगा जरूर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आपको हमारे घर में हमेशा वीडियो में पीछे से कुछ ना कुछ आवाज आती ही रहती होंगी, क्या करूं मैं इसका, हमारे यहाँ मोहल्ले में बहुत चहल पहल रहती है, माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा चहल पहल रहती है। ठीक है, अब ये हमारा मिक्स हो गया है। अब ये जो मैंने बोला था ना आपसे एक साइड से थोड़ा ज्यादा सेकना है, एक साइड से थोड़ा कम सेकना है, तो ये कम सेका हुआ हिस्सा नीचे रखना है और हमें इसमें ये स्टफिंग जमानी है अच्छी तरीके से। सब्जियों में कमी नहीं करनी है, हमें अच्छी तरीके से फैला के डालनी है पूरे पे बिल्कुल भी। देखिए आप देखिए ध्यान से, सब जगह पर बराबरी की इक्वल फैलानी है। ठीक है, इस तरीके से फैलाकर फिर ये जो हमने चीज ली है ना, इस चीज को इसके ऊपर डालनी है। तवा मैंने गरम होने रख दिया है बिल्कुल स्लो आंच पर, चीज अच्छे से डालनी है, जब वो मेल्ट होगी ना तो वाह क्या मजा। और ये फिर कच्चा हिस्सा ऊपर रखना है और सिका हुआ अंदर, इसको इस तरीके से दबाकर और तवे पर हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको इसके ऊपर इसी जब तक वो हमारी सिक रही है हमें दूसरी तैयार। देखिए हमारा एक साइड से सिक गया अच्छी तरीके से। Bye.